एनर्जी चेंज विद द मटेरियल चेंज आर नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है और इस मीन बाय केमिकल चेंज एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट जिसमें कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस के अंदर होता क्या बेटा? मटेरियल का चेंज आता है। मटेरियल का चेंज आने से मुराद यानी कि रिएक्टेंट में तब्दीली आती है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस के जो मटेरियल है आपके पास बेसिकली दैट इज रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट हो रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपके पास? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी केमिकल चेंज आता है दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, और उस पर रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी का भी चेंज साथ साथ आ रहा हो तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी का चेंज किस तरह से आ सकता है बेटा? या तो केमिकल रिएक्शंस में आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट नजर आएगी, अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी का क्या रहा होगा? चेंज आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी है बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी से आप कंपेयर अगर करेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी बाद अवकात आपको कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है रिएक्टेंट के लिहाज से, और कुछ ऐसे भी रिएक्शन आपके पास होते हैं बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शन के जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी को अगर आप प्रोडक्ट की एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो एनर्जी आपको डिक्रीज होती हुई नजर आएगी, कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस के जिनमें केमिकल चेंज के साथ साथ एनर्जी का चेंज आ रहा होता है उन केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब कितने तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं? दो तरह के थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं। पहला है बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और दूसरा है बेटा आपके पास एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हम किस थर्मोकेमिकल रिएक्शन को कहते हैं? ये यहाँ पर सबसे पहले बेटा डेफिनेशन लिखी गई है और इसके बाद यहाँ पर कुछ से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे गए हैं जिन पॉइंट्स को आपने क्या करना है बेटा? समझना भी है, रिमेंबर भी रखना है, क्योंकि इन पॉइंट्स से एमसीक्यूज आपके पास कौन होता है। और अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन समझने में कोई इशू नहीं होगा। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझने का और आज आपके यूट्यूब में जाने का टिकट है तो उसमें भी आपको परेशानी पेश नहीं आएगी, वहां पर भी आपके यूट्यूब जाने का टिकट है, यहाँ सवाल बनता है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो कि एक आपके पास पहली टाइप है किसकी? थर्मोकेमिकल रिएक्शन की, जिसको हम यहां पर डिस्कस करने लगे हैं। एक्सो का मतलब होता है बेटा आउट या एग्जिट, जिसको उर्दू में कहते हैं कि बाहर निकलना, खारिज होना, चले जाना। थर्मिक का मतलब होता है बेटा हीट और साथ में लिखा है केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन के जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है, निकल कर बाहर जा रही होती है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन के दौरान हीट एनर्जी क्या हो रही होगी? निकल कर जा रही होगी और ये एनर्जी रिलीज बेसिकली किधर से हो रही होती है? रिएक्टेंट इसको अपने अंदर से रिलीज कर रहा है, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट आपकी एनर्जी को लॉस करेगा, कम करेगा, जब वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? प्रोडक्ट के अंदर। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी वो पहले ज्यादा रही होगी और जो प्रोडक्ट की एनर्जी जितनी भी होगी अगर आप उसे उठाकर देखोगे रिएक्टेंट के लिहाज से तो वो कम आपको मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी का कॉन्टेंट जाया हो चुका है ड्यूरिंग द प्रोसेस ने निकाल दिया। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, कैसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन बेटा, जिसमें रिएक्टेंट जब अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है उसके दौरान एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा।
ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में अपने आप से एनर्जी को जाया कर सकता है, निकाल सकता है किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने पॉइंट लिखा है एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शंस। व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या होती है बेटा? फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू है ये डेफिनेशन। व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी? वैसे क्लास 9 में आप पढ़ कर गए हैं, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी। एक सब्सटेंस के पास टोटल कितने एनर्जी के कंटेंट्स हैं, कोई भी एक सब्सटेंस होता है बेटा उसके पास हर तरह की एनर्जी थोड़ी बहुत मौजूद होती है। अब हर तरह की एनर्जी से मुराद क्या है? जैसे कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रिलेटेड आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा मजीद फर्दर बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी किसी एक सब्सटेंस के अंदर मौजूद होती है। तो तमाम एनर्जीज के थोड़े थोड़े जितने जितने कंटेंट है आपने सबको ऐड कर दिया, सबको मिला कर एक ही दफा आप जब बताएंगे तो इतनी साफ क्या बता रहे हैं उसकी उस सब्सटेंस की उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट क्या क्या बता रहे था एंथैल्पी बता दो, ठीक है। एंथैल्पी को हम किससे लिखते हैं? H से लिख के दिखा दो, किससे लिख के दिखा दो? H से। अब अगर केमिकल सब्सटेंस रिएक्टेंट हुआ तो हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और अगर केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट हुआ तो हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को H और सब्सट्रेट में R, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को H और सब्सट्रेट में P। और डेल्टा एच क्लास मैट्रिक में भी आप पढ़ कर गए हैं, डेल्टा एच स्टैंड्स फॉर द लार्ज डिफरेंस, और अभी आपने पढ़ा है एच स्टैंड्स फॉर द एंथैल्पी। तो लार्ज डिफरेंस इन एंथैल्पी, अब डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं बेटा? जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है उसमें से हम माइनस करेंगे किसको? रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पर वो जो मैट्रिक में आप पढ़ते थे कि ज्यादा में से हमेशा कम को माइनस करेंगे वो बात भूल जाओ। डेल्टा एच का फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी को हम किससे माइनस कर देंगे? रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। तो अभी हमने देखा कि जब भी एक्टर तक रिएक्शन चल रहा होगा तो रिएक्टेंट में से कुछ एनर्जी का कंटेंट जाया हो रहा होगा, और जब कुछ एनर्जी का कंटेंट जाया हो रहा है तो मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रोसेस जितनी भी थी, अगर आप उसको प्रोडक्ट के लिहाज से कंपेयर करेंगे तो वह हाल में आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर रिएक्टेंट में जो एनर्जी थी थोड़ा सा अमाउंट जाया हो गया तो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो प्रोडक्ट के अंदर चला गया। जैसे 5 जूल थी, 1 जूल जाया हो गए, 4 जूल प्रोडक्ट के अंदर चला गया, तो प्रोडक्ट में जो टोटल एनर्जी का कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम रहेगी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमेशा एक तो करके केमिकल रिएक्शन में आपको कम मिलेगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी हमेशा आपको कम मिलेगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी एक्टोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि 1 जूल अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की एंथैल्पी है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी अगर 5 जूल रही होगी तो 1 माइनस 5 आंसर मिलेगी 4, मतलब डेल्टा एच यानी डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी फॉर एनी एक्टोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज विल बी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगी। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस सब्सटेंस में एनर्जी ज्यादा है बेटा वो सब्सटेंस हमेशा लेस स्टेबल होता है, और जिस सब्सटेंस में एनर्जी कम होती है वो सब्सटेंस हमेशा मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू किसके? जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर देखा कि एनर्जी ज्यादा है अगर किसी सब्सटेंस में तो मतलब ओवरऑल उसकी एंथैल्पी भी ज्यादा निकलेगी, और अगर किसी सब्सटेंस में एनर्जी कम है तो मतलब ओवरऑल उसकी एंथैल्पी भी कम मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी सब्सटेंस की एनर्जी ज्यादा है तो मतलब उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, वो सब्सटेंस कम स्टेबल होगा, और जिस सब्सटेंस की एनर्जी कम है मतलब उसकी एंथैल्पी कम होगी और सब्सटेंस की स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि रिएक्टेंट की एनर्जी या रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी या प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी। जो मैंने यहाँ पर लिखा कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी चूंकि ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी चूंकि कम है आपके पास, इसीलिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। रिएक्टेंट की एंथैल्पी चूंकि ज्यादा थी आपके पास एक्टोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए, इसीलिए रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है? रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, इसीलिए रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है। तो यहां पर मैंने लिखा रिएक्टेंट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, एंड एक्टोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होगा आपके पास? कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा देन प्रोडक्ट के लिहाज से। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में एनर्जी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी उसकी एंथैल्पी भी ज्यादा थी। तो चूंकि प्रोडक्ट में एनर्जी कम हो जा रही है रिएक्टेंट के लिहाज से, इसीलिए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर हमने लिखा है रिएक्टेंट इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, रिएक्टेंट लेस स्टेबल है। किसके लिहाज से रिएक्टेंट लेस स्टेबल है? रिएक्टेंट की चूंकि एनर्जी ज्यादा है, एंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट के लिहाज से, इसीलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिहाज से क्या हो गया बेटा आपके पास? चूंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है इसीलिए वो लेस स्टेबल हो गया, इसके लिहाज से प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है।
ठीक है, ये बात आप लिखिए उसको मुझे मार्क करके अंडरलाइन कर दीजिए। अगर एग्जांपल डिस्कस करें तो बेटा ये जो एग्जांपल है C++ हो इज इक्वल टू CO2 और हमेशा जनरल रिप्रेजेंटेशन जब भी एक्टिव थर्मल मैकेनिकल रिएक्शन लिखी जाएगी वहां हमेशा प्रोडक्ट साइड पर हीट एनर्जी लिखकर दिखाई जाएगी और या फिर आपको डेल्टा एच नेगेटिव लिखा हुआ साथ में मिलेगा। यहां पर ये जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन है बेटा ये कंबशन की मिसाल है और CH2+O2 ये कंबशन ऑफ मीथेन के अलावा चल रही है CO2+H2O। तो दुनिया में जितनी भी कंबशन है बेटा उन तमाम के तमाम कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इसलिए ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बेटा ये वीडियो हो गया हमारा, ये वाला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्या करेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है।